शामला के कैराना कस्बे में हिंदू परिवारों के पलायन पर सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में चुनाव करीब है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी समाजवादी पार्टी के कामों को छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। अखिलेश यादव के मुताबिक ये बात सामने आनी चाहिए कि कैराना से कौन कितने साल पहले छोड़कर गया था। बीजेपी तो ये कह रही है कैराना में वो लोग भगा दिए समाजवादी लोगों ने, कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं, मेरे पास रिपोर्ट है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं और यूपी में इसको एजेंडा बनाएंगे। अरे मैं तो चाहता हूँ ना कि कुछ काम करके दिखाएं, कुछ आए और कहें कि हमने भी जनता के बीच में लैपटॉप बांटा था, केवल डिजिटल इंडिया की बात नहीं कही थी। वो बीजेपी के लोग आए कहें कि हमने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विधान दिया, वो आए बीजेपी के लोग कहें ना सरकार में कि जो उत्तर प्रदेश में जो सड़क बन रही है उससे अच्छी सड़क बनाई उन्होंने। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों, एक एक कैराना की जो लिस्ट दी है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोगों ने, उस पर आपको विचार करना चाहिए कौन कितने वर्ष पहले चला गया। कोई 5 साल पहले चला गया, उसके भी जिम्मेदार हम समाजवादी लोग हैं। कोई 14 साल पहले कोई घटना हुई उसकी वजह से चले गए, उसके लिए भी समाजवादी जिम्मेदार हैं। अरे मैं चाहता हूँ कि भाई वो बात साफ आए, और क्योंकि चुनाव करीब है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, वो हमारे तमाम कामों को छिपाना चाहते हैं।